लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का ये ख़ूबसूरत, दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और नहायत ही ज़रूरत के एतबार से आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, आयोजित किया गया है इस ख़ूबसूरत से होटल में, जिसके बानी आनंद सिंह जी है और आप सब इस संगोष्ठी में आज इसके गवाह बनेंगे, इसके इतिहास बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस विषय के ऊपर ये चर्चा रखी गई है और आप सब उसमें शरीक हो रहे हैं, मुझे इस बात का फ़ख्र है और हम सब गौरवान्वित हुए हैं कि वो मिशल, वो चिराग जिसने हमारे पथ को प्रदर्शित किया है, चिराग जलाया है, हमको आगे बढ़ने की का हौसला दिया है, ऐसे महापुरुष, ऐसे पैगंबर, ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा जिसने समय समय पर इस देश को और पूरे संसार को जगाने की कोशिश की है, यह अलग बात है कि हमने उनकी शिक्षा को किस रूप में अपने अंतरात्मा में, अपने दिल में समाया है। हमारी ये दुनिया जो देखने में बड़ी चंचल और ख़ूबसूरत है, लेकिन सच बात तो यह है कि उसके भीतर न जाने कितने हलचलें हैं और इन हलचलों के बीच में हमारा मनोविज्ञान, हमारा स्नायुतंत्र, हमारा साहस, हमारी सोच समझ का वो तरीक़ा जिस पर ज़िंदगी मुनहसर है, जिस पर आधारित है हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन, उस जीवन के सहारे हम अपने को कैसे आगे बढ़ाएं, आज उसी पर एक शानदार चर्चा है, सम्यक दृष्टि। और वो सम्यक दृष्टि यानी संतुलित दृष्टि, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम जहाँ होता है, हम उसकी तरफ आज अपने स्पिरिचुअल गुरु स्वामी ओमदाक उनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे। जबकि आज के हमारे मुख्य अतिथि संस्कृति पुरुष, कैरेक्टर ट्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान श्री उदय प्रताप सिंह जी हैं, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शशि हरि प्रताप शाही जी हैं जो नगर आयुक्त हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ओरिटर्स हैं जिनसे हम बातें कुछ सीखेंगे, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप सबका इस हॉल में दूर दूर से आए हुए व्यक्तियों का एक बार पुनः मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे स्वामी उमद अक पधार चुके हैं इस हॉल में, इस होटल में, और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे प्रेरणा स्रोत इस समय हमारे बीच में हैं। और हमारे मुख्य अतिथि संस्कृति पुरुष, कैरेक्टर ट्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान श्री उदय प्रताप सिंह जी तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत बहुत उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, मेहरबानी करके आप तशरीफ़ रखें। हमारे लिए चिराग जलाने के, हमेशा चिराग जलाते हैं ये हॉल के लोग, खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे स्वामी जी उनके दाहिने तरफ, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी सी एक ब्रीफिंग हो जाए प्रोफेसर शशिदेव सिंह जी, जो काशी विद्यापीठ के दर्शन शास्त्र के बहुत ही इसके प्रेरणा स्रोत हैं। मेहरबानी करके आप तशरीफ़ लें और थोड़ा सा इस संबंध में एक चर्चा, चूँकि सम्यक दृष्टि और बौद्ध के संदर्भ में ये बातें रखी गई हैं। प्रोफेसर शशिदेव सिंह जी। श्रद्धेय आध्यात्मिक गुरु ओमा जी, प्रख्यात कवि उदय प्रताप जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वद्गण प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 2 घंटे पहले मेरी आत्मीय ननद प्रतिमा बोली कि हमारे यहाँ बुद्ध पे कुछ कार्यक्रम है, उनके बारे में कुछ बोलेंगी। तो पहले तो मुझे लगा बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि मानसिक स्थिति लग रहा था अस्त व्यस्त है। फिर सुने गुरु जी का प्रोग्राम है तो हम आ गए। तो इसलिए भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ हम समझ सके हैं उसी पर विचार अपना व्यक्त करने का प्रयास करेंगे और सम्यक दृष्टि भी उसमें आ ही जाएगा। तो बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की आदिकाल से यह मान्यता रही है कि धर्म संस्थापनार्थाय या लोकानुकंपा या जब जब होए धर्म की हानि,
इसकी पूर्ति के लिए किसी पुरुष विशेष का समय समय पर भारत भूमि पर अवतरण होता है, जो अपने व्यक्तिगत सदाचार व उपदेशों द्वारा समाज को एक नई दिशा देता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध पृथ्वी पर जन्मे एक ऐसे महामानव थे जिनका प्रादुर्भाव ही लोक कल्याण के लिए हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का पावन उद्घोष ही बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य था। उन्होंने अपने उपदेशों से समाज को नवीन गति व दिशा प्रदान की। राजवंश में जन्मे बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गाथाओं के अनुसार उनके संबंध में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि जिस दिन यह बालक रोगी वृद्ध मृतक देखेगा उस दिन संन्यास ग्रहण कर लेगा। फलस्वरूप इनके पिता सुदोधन ने इन्हें राजसी वैभव आमोद प्रमोद के बीच रखते हुए इनका विवाह अति रूप गुण सिलवती राजकुमारी यशोधरा से करा दिया, जिससे इन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु प्रतिभा कभी अवरोधों से परास्त नहीं होती। एक दिन नगर का परिभ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने एक असहाय वृद्ध को, एक रोगी को, एक मृतक को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा। ये चार दृश्य देखकर उनके भावुक हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें यह समझते देर नहीं लगा कि यह समस्त संसार जो है वह दुखों के अधीन है और उनको एकदम वैरागी की स्थिति पैदा हो गई। तो इस दुख और दुख संसार में सर्वत्र दुखी दुख है और इस दुख का समाधान कैसे हो, इस चिंता में वे घर मतलब इतनी सुंदर पत्नी पुत्र सबका मोह छोड़ के महल का वैभव और निकल पड़े साधना के पथ में कि अब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, बोधि संबोधि प्राप्त करेंगे और किसी भी तरह से इस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस संसार में दुख है तो उस दुख का कारण क्या है और उस दुख का निदान क्या है। बहुत ही उन्होंने भ्रमण किया, पहले अलार कलाम जी थे उनके यहाँ, फिर निरंजना नदी के तट पर उनको रात के तीसरे प्रहर में सम्यक बोधि की मतलब प्रतीत समुत्पादवाद की मतलब उनको अनुभूति हुई कि किस तरह से संसार कालानुसार हर चीज़ की उत्पत्ति होती है। और जब उनको ज्ञान मिला तब उनको बोधि हुई, वे तथागत कहलाए और उसके बाद बुद्ध की संज्ञा से विभूषित हुए। सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति जब आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता है तो उसे जरूरत नहीं पड़ती कि वो जा करके कहीं कुछ कहे, क्योंकि वो तो बिल्कुल आत्मतृप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध सोचे कि जिस नाव पर चढ़कर मैं दुख समुद्र पार किया उसको तोड़ने से अच्छा है कि उसको लोगों के हित में लाएं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा आज के युग के लिए विशेष रीत से अनुकूल है व विशेष रीत से पोषक है। ऐसा ही लगा जैसे सावन आया, बरसा, हम सब प्यासे रह गए, ज्ञान की वर्षा कर रही थी। लेकिन सच बात तो यह कि हमारे पास वक्त की वो कमी है जिसकी वजह से, वरना आपको हम खूब सुनते, हम सब बहुत अच्छा लगा था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें, आइए हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं और वो खुद अपने आप में एक इतिहास हैं। लेकिन हमारे पास एक इतिहास हमारे सामने बैठा है, आचार्य राजेश्वर जी, प्लीज़ आइए, स्वागत कर दें आप। आपका गला, आपकी वाणी, ये दोनों के सामंजस्य से जो स्वागत होगा हम सब अभिभूत हो जाएंगे। आदरणीय सामाजिक वृंद, प्रणाम। ओमा जी का कार्ड जब मुझे मिला तो उसमें एक सूचना थी, 13 या 14 साल से नीचे के बच्चों को मतलब न लाया जाए। मैं सोच रहा था कि मैं शरीर से क्या माना जा रहा हूँ, ज्ञान की दृष्टि से क्या हूँ, तो 74 साल की दृष्टि में मुझे लगा या तो मैं 4 साल का हूँ, बहुत बड़ा होऊंगा तो 7 साल का होऊंगा, क्योंकि दोनों संख्याएं हैं। और ज्ञानियों की सभा में ज्ञानी अगर आते हैं तो या तो शास्त्रार्थ होता है, और विमर्श के स्थान पर प्रायः शास्त्रार्थ से अमर्श पैदा हो जाता है। मैं ज्ञानी की तो ज्ञानी, इसलिए सच्चे ज्ञानी को अज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है कि कुछ न कुछ ज्ञान इसको दे दूं, ये भी आगे चले। शरीर की एक सीमा है,
लेकिन निरंतर कड़ी दर कड़ी अगली पीढ़ी लड़ी बनकर परंपरा को बड़ी बनाती है। इसीलिए ज्ञानी अज्ञानी से परहेज नहीं करता। हमें लगता है कि उमा जी ने मुझे इसीलिए बुलाया है कि आओ, इतनी उम्र बिताई है, दृष्टि चश्मा लगाने के बाद भी खुली कि नहीं, खुद परखो देखो, वरना स्वाध्याय होना चाहिए। कुछ वाग्यकार के लक्षण तो कहे गए हैं, लेकिन उसमें कितनी पैठ हुई, हमारी पात्रता उसमें से कितना ले पाई, कितना हमने आडंबर किया, कितना स्वयंवर किया, क्या किया, इसे देखना चाहिए। तो इतनी तो समझ आ गई है कि मुझे समझ नहीं है। लेकिन भर्तृहरि का और इन लोगों का श्लोक बड़ा साहस देता है, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। तो उन लोगों के साथ रहना कि जिनकी कोई न कोई बात असर कर जाए। अब क्यों असर कर गई, ये साइकेट्रिक से पूछिए, न्यूरोलॉजी से पूछिए, दर्शन शास्त्र से पूछिए, लॉजिक से पूछिए, अग्नि न्याय में न्याय दर्शन कितना है ये पूछिए, आग पे हाथ डालने से आग जलता है। अब क्यों असर होता है, उदय प्रताप जी की कविता सुन के क्यों अच्छा लगा, अरे भाई हमें अच्छा लगा, तुम कारण पता करो क्यों लगता है। तो जो पता लग जाएगा तो उन कारणों से और लोगों को भी अच्छा लगेगा। भट्ट, लोल्लट, अभिनव गुप्त, शंकुक, इन सबों ने साधारणीकरण के में तादात्म्य के भाव को खोला, लेकिन बड़ा दुखद है कि वो पात्र में है कि अनुकार्य में है कि चरित्र में है। ये खोजने के चक्कर में जो एक संसिद्धि हुई थी कि कविता सीधे संपर्क करती है, वह छोड़ दिया गया और यह शास्त्रार्थ का विषय हो गया। पढ़ी लिखी माँ है उसकी लोरी का महत्व है कि अनपढ़ की लोरी का महत्व है। क्रौंच के जोड़े के मरने के बाद कविता उत्पन्न हुई, छोटी कविता, बड़ी कविता, रबड़ छंद, ऐसे छंद, सब कविता है। खड़ी लाइन और पड़ी पाई के रूप में गद्य और कविता का जहाँ बंटवारा हो, वहाँ मन ही एक साक्ष्य रह जाता है कि किसकी कविता मन तक पहुँच रही है। और जहाँ मन के कवच को, अहंकार के बिल्कुल ढांचे को तोड़कर कुछ असर हो जाए, तो लगता है मानवता की कथा कहने वाला मनुष्य भी जिंदा है और मनुष्य की भाषा, हृदय की भाषा समझने वाला मनुष्य भी है। आवश्यकता है उस धरातल पर जाने की। दृष्टि तो है, लेकिन वो सम्यक है या नहीं। अब हम क्या ले रहे हैं, वृष्टि है, खेत में भी है, सीमेंट के जंगल पर भी पड़ रही है, नाली में भी पड़ रही है, स्वाति की मोती के कलेजे में भी जा रही है, सीपी में, तो हम उससे क्या ले रहे हैं। ज्ञान कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। तो 64 कलाएं हैं जिसमें से 59 में पदार्थ हैं, पदार्थ आश्रित है, और 5 में से पदार्थ घटते चले जाते हैं और तत्व महत्व पाते जाते हैं, वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत। इस दृष्टि से हम रचनात्मकता जिनके हृदय में पनपती है, अगर पूछा जाए कि क्यों पनपती है तो शायद उसका उत्तर आप खुद नहीं दे पाएंगे, भैया पनपती है, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, अच्छी लगती है, इसलिए कलम उठा के लिखता हूं कि शायद दोबारा कोई पढ़े तो उसे अच्छा लगे। एक छोटा सा प्रसंग, लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, उदय प्रताप जी को देख के मन में इस चीज़ का उदय हुआ कि मैं उनके सामने ये अपनी बात रख दूँ। एक बार मेरे एक मित्र अब दिवंगत हो गए, बहुत ही सिद्ध कलाकार थे, बड़े दुखी होकर आए कि आचार्य जी, ये कलाकार और कभी पागल क्यों हो जाते हैं, या संगीत ललित कलाओं की साधना का अंत यही है कि व्यक्ति का पागल हो जाना। हमने कहा क्यों, कहा 1943 में काजी नजरुल इस्लाम ने रचनात्मकता स्थगित हो गई, उनके पुत्र उन्हें श्वेत नहला धुलाकर श्वेत वस्त्र पहनाकर बैठा देते थे और कोरे कागज को लेके वो हंसते हुए फाड़ते रहते थे। लोगों ने समझा ये पागल हो गए,
क्या सच में ऐसा होता है? हम आपका कला क्षेत्र में हैं, अंत में पागल होना पड़ेगा, तो अभी क्यों ना जीवन खत्म कर दिया जाए? या तो इसका उत्तर मिलना चाहिए, पागल हो के मरने से अच्छा है कि सब कुछ समझते बूझते वसीयत करते हुए अपना कारण लिख के अपने जीवन को स्वयं समाप्त किया जाए। अब यह पागलपन था कि सामान्य बुद्धि, 80 घाट से हम लोगों ने नाव ली, 2 पत्थर इकट्ठे किए, नायलन की डोरी ली, कहा रात भर नाव चलाएंगे गंगा में, और यदि सूर्योदय के पूर्व उत्तर मिल गया तब तो लौट आएंगे, अंधियार नहीं मिला तो गंगा में समा जाएंगे। राजघाट तक पहुंचना लौटना आते हुए 2 बजे करीब अचानक हमको लगा, उसके घर के नाम से कहा कि मुन्ना, अच्छी कविता या कुछ मन में आता है तो आदमी मजबूर हो के भले रजाई में हो इसको लिख लो। लिख लेता है कि अच्छा लग रहा है, मैंने लिखा इसलिए नहीं, देखें कल किसको अच्छा लगता है। तो विवशता उठता है, लिखता है, अच्छा है अच्छे को समेट लो। लेकिन जब एक लिखने की तीव्रता गति की एक सीमा होती है कि आप मशीन के समान छाप नहीं सकते, एक कविता 5 मिनट में लिख रहे हैं, और अगर मत स्मृति तात्काल की प्रज्ञा और प्रभुत प्रतिभा की तीव्रता इतनी बढ़ जाए कि 1 मिनट में 5 कविता बनती हो, तो आदमी कलम रख देता है, आनंद में मग्न हो जाता है। हमको लगता है कि दिखता था तो लिखता था, अब लिखने भर के लिए उस ओर से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लगता। सिरज रही है प्रकृति कलात्मक कविताएं, क्या तू उसके सामने बच्चा नहीं लगता? भरी हुई कविता है, पढ़ लो सबके मन में, क्या तू इस मातृ चेतना के आगे बच्चा नहीं लगता? दिखता था तो लिखता था, अब लिखने भर के लिए उस ओर उसे मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल से नीचे भी एबनॉर्मल है और नॉर्मल से ऊपर भी एबनॉर्मल है। हमें कुछ नहीं मिलता तो हम घोषित कर देते हैं वो पागल है। लगता है गया है पागल है, लोग कहे हैं पागल है। इसलिए हमारे धर्म से आध्यात्मिकता का निचोड़ कर नवनीत लेने वाले हमारे संप्रीत स्वामी जी बैठे हुए हैं, न जाने किन किन चीज़ों का स्वामित्व ले बैठे हैं ईसाई। इसलिए मैं आलाप करने वाला व्यक्ति प्रलाप कर रहा हूँ। अमिताभ दादा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको आप भी कहता हूँ, मैं इनको तुम भी कहता हूँ। संगीत में अलंकार, और उस अलंकार को साधने के चक्कर में ब्रह्मानंद सहोदर, जिसमें परब्रह्म की प्राप्ति, आनंद, बड़ी बड़ी व्याख्या है। लेकिन संगीतकार को, क्लासिकल वाले को देख लीजिए गाते हुए, तो लगता है पिशाच साक्षात आया है, ये पीड़ा की प्रतिमूर्ति बन गया है, न जाने इसको क्या हो गया है, चेहरे बनाएगा, सब कुछ करेगा। तो क्या वो उसके आनंद दोहन की प्रवृत्ति है, या आत्माभिव्यक्ति है, या आत्मविज्ञापन है? इस दृष्टि से हम मात्र इतना कहना चाहेंगे कि स्वामी जी अध्यात्म धर्म में विरोध हो जाता है। संप्रदाय शब्द आज गाली बन गया है, जबकि इस पे 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, सम्यक्ता, और सम्यक्ता जब प्रकृष्ट होकर ऊंचे उठकर दाय बन जाए, हेरिटेज बन जाए, तो किसी परंपरा में संप्रदाय बनता है। और आज संप्रदाय गाली बन गया है, इसलिए आज इस ललित विचार गोष्ठी में जो अपने संधान से, बोध से उसके सत्व को निकालता है, तो व्यक्ति का स्वत्व उस महत्व तत्व की ओर पहुंच जाता है। इस बोधि सत्व की बोधमयता को सम्यक होकर देखना है दृष्टि से, इस सम्यकता की दृष्टि को कैसे कैसे संकलित करता है, कैसे वो रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म कर जाती है किसी ऐसी कविता में, किसी ऐसे बोल में, जहां आपको लगता है कि ये नहीं बोल रहा है, हमारी अंतरात्मा बोल रही है, सहानुभूति नहीं होती है, समानानुभूति हो जाती है। और ऐसे बुद्ध से सनातन धर्मियों ने
उनको धर्म का प्रतीक समझा और इंसान जहाँ बढ़ा नरसे नारायण की ओर, कि आप उसको इंसान नहीं रहने देते, नरसे नारायण बनने पर विश्वास नहीं करते, सीधे भगवान घोषित कर देते हैं। तो हमारे बुद्ध, बौद्ध कहा जाता है, संबोधि से स्वयं बुद्ध भीतर जागृत होता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात और संघम शरणम, खाली अकेले बुद्धि की नहीं, यह बुद्धत्व का संघ बन जाना जो है। लेकिन आज हम बुद्ध तो नहीं हो सके, पवित्र होकर शुद्ध तो नहीं हो सके, प्रबुद्ध हो गए हैं, बुद्ध को भी ऊपर उठा लिया है। इसीलिए आज रचनात्मकता के प्रतीक वाघमूर्ति हमारे सामने हैं और धर्म तत्व इत्यादि का संदोहन करते हुए इसका नवनीत देने वाले स्वामी जी हैं। ये बताएं, जितना इन्होंने संग्रहित किया है सत्व तत्व, उसका महत्व है, और फिर कविता हमें समझाए कि बिना बुद्धि के हस्तक्षेप के कैसे कविता अपना रस भीतर संचारित कर देती है। क्योंकि पातंजल कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चाप के रोक देंगे हठ योग से। हम कभी नहीं कहता को योगश्चित्त वृत्ति अनुरोधः, धारा को तोड़ेंगे तो तटबंध टूटेंगे, रोकेंगे धारा को, मोड़ लीजिए। इसीलिए ललित कलाकार साहित्यकार भी होता है, काव्यकार है, रचनाकार है, शिल्प है, शिल्पकार है। छेनी की हर चोट के लिए पाषाण कभी उलहना नहीं देता, क्योंकि एक दिन वो मूर्ति बन जाता है, धर्म की स्फूर्ति बन जाता है, कृति की कीर्ति बन जाता है। इसी दृष्टि से दृष्टि संपन्न सम्यक दृष्टि, आजकल स्वामी जी सम्यक शब्द का एक दुरुपयोग भी होता है कि हम बुरी तरह से भ्रांत हो तो कोई बात हो, लेकिन आजकल अच्छी तरह से भ्रांत होने को कहते हैं आप संभ्रांत परिवार के हैं। इसलिए सम्यकता का भी हम दुरुपयोग करने लगे हैं। इसलिए आज का दिन है कि सारे तत्वों में, मेरे गुरुदेव कहते थे कहीं जाओ कुछ सुनो कुछ समझो, तो ये गलत कर दिया, ये खराब, ये सब मत करो, देखो क्या अच्छा था, कुछ अच्छा भी था वो अच्छा ले आओ। मेरा विनम्र निवेदन है स्वामी जी से कि जैन धर्म में तो लम माने कम, लम पट, अमिताभ दादा एक दिन बता रहे थे जो कम कपड़े पहनता हो, यह आलोचना एक दिन वो गाली बन गई लंपट, केश लुंचन करते थे तो लुच्चा। इसी प्रकार संभवतया वरिष्ठतम कवि और शब्दों के अर्थ की आत्मा का दर्शन करने वाले, जिनके मन में नित्य नूतन कविता का उदय होता है, वो प्रकृष्ट होकर वह अभ्यास से तप्त होती है, ऐसे उदय प्रताप जी हैं। संभवतया 2500 वर्ष तो हो चुके हैं बुद्धि के लिए, लेकिन ये बुद्धू शब्द जो है कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति नहीं मिलती है। क्योंकि जैनियों की आलोचना करने में आप लंपट और लुच्चा कहते हैं, संभवतया सनातन धर्म के ढंग को भूलकर ढोंग तक आने वालों ने बुद्ध को ग्रहण न कर पाने में बुद्धू शब्द का प्रयोग किया होगा। इसलिए मुझे लगता है, और अब प्रबुद्ध लोग होने लगे हैं, आवश्यकता है शुद्ध होने के लिए, सम्यक होने की, संतुलित होने की, जिसमें जितना कुछ भी है सत्व, वह समानानुभूति के धरातल पर आपसे तादात्म्य करे, एकात्मता निर्मित हो। और जितना सत्व है, एसेंस ऑफ द लाइफ, जो महात्म्य है, वही बुद्ध लेके चले हैं। सर्वं दुःखम् जगन मिथ्या अगर कहा है तो इसको क्या इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता, सर्वम दुखम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है। संधान को सुधारो, ध्यान दो, सम्यकता का संचयन करो, उस भ्रामरी वृत्ति से पराग और किसले के लय को देखो, उसमें लयलीन हो जाओ। कविता बहुत प्यार करती है, तुम भी कविता को प्यार करो, प्यार की मूर्ति बन जाओगे। भवतु भवताम भव्यम दिव्यम दिव्यम।